भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आज का वीडियो है एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिकल से है और ये पार्ट वन है और मेनली इसमें कवर होगा आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस, जिसमें भी एसी भी एंड ब्रेकर वगैरह जो होंगे उससे होगा। आगे की वीडियो में और सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन कम है, लेकिन हमारा समस्या ये है कि हम आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, आपको टिक नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो के बाद आप जितना अट्रैक्टिव रूप से बने रहेंगे उतना ही हमारे लिए भी फायदा होगा, और आपके लिए तो कम से कम 1 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हल होने वाला, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा है, इसको शुरू करते हैं। विच सर्किट ब्रेकर हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हिंदी में मैं इसको दोहरा देता हूँ, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, स्ट्रेंथ के बारे में हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले आपका क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये ऑप्शन में नहीं जाने वाले, पहले हम एक सीरीज बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, घरों में जो एमसीबी लगती है, आपने देखा होगा एमसीबी की बहुत सारी टाइप होती है, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, ये सबसे लोएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं होता, एयर होता है लेकिन इनबिल्ड इस डिवाइस में कुछ नहीं होता। उसके बाद जो आपकी जो आती है, जो भी ब्रेकर की होती है, वो आयल सर्किट ब्रेकर में होती है, जो ट्रांसफार्मर या बड़े बड़े ओपन क्षेत्र में लगे हुए होते हैं उसमें आयल लगा हुआ होता है, जिसका स्ट्रेंथ करीब करीब 40 कुछ रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, 30 से 40 के आसपास डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है। उसके बाद जो भी ब्रेकर आता है उसमें मिनिमम आयल या जो भी हो उसको आयल को मिनिमम आयल को थोड़ा से बढ़ा दिया जाता है, इससे मिनिमम आयल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके बाद जो आता है आपका रेटिंग में, आपका एयर सर्किट ब्रेकर का आता है, जिसको एसीबी भी बोलते हैं, कई जगह आपको मिलता है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आपका वीसीबी होता है, जिसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, और फाइनली जो आपका होता है SF6 गैस टाइप के जो होते हैं, उस टाइप से प्रोटेक्शन होता है, जिसमें इसको आप बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ही प्यूरीफाई रूप होता है, मतलब और वैक्यूम ब्रेकर को आगे बढ़ा दिया जाता है, इसमें गैस डाली हुई रहती है, सारे कॉन्टेक्ट इसमें होती है। तो आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में अगर मिलाएंगे तो सबसे हाईएस्ट कौन सा आपको यहाँ मिलेगा, देखिए आयल सर्किट ब्रेकर दूसरे नंबर पर आपका है, मिनिमल आयल यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, एयर सर्किट ब्रेकर चौथे नंबर पर है, और यहाँ आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 5वें नंबर पे है। तो आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड कितनी भी क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में वो सारे हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सर्किट ब्रेकर आर्चिंग आर डिजायरेबल, सर्किट ब्रेकर में आर्क को कैसे, मतलब कब तक जरूरत है, डिजायरेबल कब तक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई भी सर्किट ब्रेकर आप ले लेंगे तो सर्किट ब्रेकर में एक होता है आपका फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट। अब एक कॉन्टैक्ट जब बने हुए ब्रेकर क्लोज होता है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, जब ब्रेकर हमारा क्लोज होता है उस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं टाइटली। अब जब इसको डिसकनेक्ट करते हैं यानी ओपन करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा नॉर्मल से स्विच बंद करते हैं अंधेरे में तो एक चिंगारी सी निकलती है, वो क्या है, उसी वो आर्चिंग है। उस आर्चिंग को कम करने के लिए जब भी एयर सर्किट ब्रेकर या किसी टाइप के ब्रेकर लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं, ओनली दी कॉन्टेक्ट सेपरेशन टिल करेंट जीरो, मतलब एक कॉन्टेक्ट को सेपरेट करता है, क्लोज से ओपन होता है और इस लाइन में जो इस सर्किट में करंट चल रही है उसको जीरो करने तक। तो ऑप्शन यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इसमें कह रहा है डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्लोइंग टाइप ऑफ फॉल्ट। डिफरेंशियल रिले किस टाइप से हमारे
डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको सुरक्षित रखता है। तो ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियल रिले कहाँ लगता है, कोई भी सिस्टम जो होता है ट्रांसफार्मर, मेनली हम यहाँ लाइन में ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के इनपुट में डिफरेंशियल रिले लगता है, या कोई केबलिंग है उसके इनपुट में लगता है। तो डिफरेंशियल रिले जनरली क्या होता है, वो लाइन के बाहर से फॉल्ट जो उसमें इस लाइन में जो फॉल्ट होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए लगाया जाता है। तो आप ध्यान दे सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो एक्सटर्नल फॉल्ट वाली, मतलब बाहर की फॉल्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल रिले का यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन केस इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ वोल्टेज लेवल व्हिच इज सर्किट ब्रेकर आर यूज, कह रहा है कि अगर सर्किट ब्रेकर में वोल्टेज की लेवल बढ़ती है तो कौन सी ब्रेकर हमें बदलना पड़े, मतलब आगे की ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें तीन टाइप के ब्रेकर दिए हुए हैं, प्लेन ब्रेक टाइप, मैग्नेटिक ब्लो टाइप और एयर स्प्लिट टाइप, ये तीन ब्रेकर है। आप ध्यान देते हैं तीनों ब्रेकर एयर सर्किट ब्रेकर है, तीनों की सर्किट ब्रेकर के एयर है। तो सर्किट ब्रेकर के तीनों को हम थोड़ा सा डिफरेंस में जान लेते हैं। इसमें ये सर्किट ब्रेकर है, मान लीजिए इसमें दो कॉन्टेक्ट को मूव 3 फेज मान लेते हैं, एक दो फेज नहीं 3 फेज। अभी इस कॉन्टेक्ट को ब्रेक ऑन मेक करने की जो हमें काम होता है उसमें क्या होती है, पहले क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर में 2 में देख रखे थे कि आर्किंग आर्क पैदा होता है, मतलब उसमें से चिंगारी निकलती है, वो आर्चिंग को सप्रेस करने का मीडियम ये तीनों है। पहला है आपका प्लेन सर्किट ब्रेकर, यानी एक ऐसा सर्किट ये बना दिया गया है जिसमें पूरी तरह से केवल यहाँ पे आपका केवल एयर भरा हुआ है और इसके मीडियम को कोई वो करने का नहीं है, सेपरेट करने का मीडियम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये कॉन्टेक्ट बनेगा तो जितनी भी आर्क यहाँ से निकलेगी आपको चिंगारी जो निकलेगी वो मैक्सिमम रूप से डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा दूरों तक फैल जाएगी, तो इफेक्टिव कम होगा, इसलिए इसको लो वोल्टेज पे यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा लो वोल्टेज पे यूज करते हैं। अगर मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिलो टाइप होगा तो इससे मीडियम वोल्टेज पे यूज करेंगे, और जो फाइनली हमारा जो है एयर स्प्लिट टाइप, एयर स्प्लिट टाइप में क्या होता है, आर्क जो आर्क सप्रेस करने का मीडियम होता है जिसको आर्कट्यूट बोलते हैं, उसमें भी एक सेल बना हुआ होता है, वो सेल में डिवाइड होता है, यानी यहाँ आर्क जो जनरेट होगा इस सेल में नहीं जा सकता, इस सेल में नहीं जा सकता, इस सेल में नहीं जा सकता, तो इसलिए हाइयर वोल्टेज पे ये सेपरेशन करने के लिए काम आता है। तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ आपका ऑप्शन ये मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था, ऑप्शन ये होगा सबसे कम वोल्टेज पे ब्रेक प्लेन ब्रेक टाइप, फिर मैग्नेटिक बुलो टाइप और फाइनली जो होगा एयर स्प्लिट टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बस वार सिटीज बोथ साइड कनेक्टेड इन, देखिए पहला एक और हमारे इस पे क्वेश्चन आ चुके थे जिसमें हमने क्वेश्चन पहले ही हल कर रखा है कि देख सकते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्ट डिवाइस फ्लोइंग टाइप से एक्सटर्नल फॉल्ट था, तो यहाँ उसी क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है देख सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस अलग है। इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस वार सिटी एज कनेक्टेड इज बोथ साइड, देखिए एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए होता है ये, तो पहले हमने जान चुके हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक्सटर्नल फॉल्ट, अगर सिटी एंड बस वार बोथ साइड कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि कोई भी फॉल्ट आएगी ग्राउंड टू मतलब दोनों के डिफरेंस में वो पैरेलल में आपका वो रिले सेंस करेगा। उसके बाद जो फाइनल और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा 6 है, इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंशियल रिले से है, और इन डिफरेंशियल रिले परसेंटेज बेस ऑफ डिफाइंड इज रेशियो, ये जनरली ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डिफरेंशियल रिले रहेगा तो परसेंटेज बेस डिफाइंड, बेस को डिफाइंड करने के लिए क्या डिफाइंड होगा। तो देखिए कोई भी रिले होता है उसमें दो क्वाइल होता है, आप ध्यान दीजिएगा एक ऑपरेटिंग क्वाइल होता है और दूसरा आपका रिस्टेनिंग क्वाइल होता है, और ये दोनों क्वाइल को किसी में आपका ऑपरेटिंग क्वाइल प्राइमरी हो जाता है और ये स्टैंडिंग क्वाइल सेकेंडरी हो जाता है, मतलब उसका अरेंजमेंट चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देख रखा है पैरेलल कई जगह ये सीरीज लगेगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, या और एक आता है मेट
मेट प्राइज जो ट्रांसफार्मर में हम ये क्वेश्चन को करने वाले हैं, मेट प्राइज कनेक्शन होता है जिसमें पायलट वायर लगता है, उसमें भी इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि कौन सा करंट, तो सिंपल सी बात है ऑपरेटिंग कॉइल जो हमारा होगा डिफरेंशियल रिले के पोटेंशियल मेश में वो ऊपर होगा, तो ऑपरेटिंग कॉइल को हम ऊपर कर देते हैं और नीचे में क्या होगा रिस्टेनिंग कॉइल हो जाएगा, तो रिस्टेनिंग कॉइल नीचे में हो जाएगा। तो दोनों को आप देख सकते हैं इसको मिलाएंगे तो डिफरेंशियल करंट इन जी ऑपरेटिंग कॉइल टू रेशियो, मतलब ये रेशियो कर रहा है डिवाइडेड मीन करंट इन दी रिस्टेनिंग कॉइल, तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ एग्जैक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं LMRC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस से क्वेश्चन ज़्यादा बहुत ज़्यादा आया हुआ है, अभी भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन और प्रोटेक्टिव डिवाइस से आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का क्वेश्चन है जिसमें आप ये सारे क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पढ़ने में हेल्प मिली होगी, अगर हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और शायद किसी के लिए उपयोगी लगे जो आपके नियर हो तो उनके लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।